हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज हम लास्ट लेक्चर कवर करेंगे सरफेस एंड इंटरफेसियल फिनोमिनम का। तो इसके हम ऑलरेडी सारे लेक्चर कवर कर चुके हैं, हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम चार बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक रहेगा HLV स्केल, जो मोस्टली 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं या फिर 2 में डेफिनेशन भी इसकी पूछ सकते हैं। सल्बिलाइजेशन 2 में डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डिटर्जेंसी भी 2 में डेफिनेशन पूछ लेते हैं, और एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटर सॉलिड इंटरफेस। ये एक लिक्विड इंटरफेस वाला भी था, वो हम पहले कवर कर चुके हैं। सॉलिड इंटरफेस ये भी हमारा 5 नंबर में आ सकता है। तो चलिए हम बारी बारी से इनको समझते हैं जल्दी जल्दी। तो एच एल वी स्केल क्या होता है? तो इसके लिए एक HLV सिस्टम है, उसकी फुल फॉर्म सबसे पहले हम समझते हैं, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस सिस्टम। मतलब क्या होता है कि हमने सर्फेक्टेंट के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि सर्फेक्टेंट होता है वो क्या काम करता है, ऑयल एंड वाटर। जो ऑयल जो हमारा होता है वो हमारा लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, मतलब जो ऑयली नेचर के होते हैं वो हमारे लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, और जो हमारे वाटर नेचर के होते हैं वो हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड है ना, तो हाइड्रोफिलिक नेचर हमारा वाटर से रिलेटेड है। तो इन दोनों को जब ये आपस में मिक्स तो होते नहीं है, इमिसिबल लिक्विड है। सॉल्ट मतलब वाटर एंड ऑयल, ये इमिसिबल लिक्विड है जो आपस में नहीं होते, डिजोल्व मिक्स नहीं होते हैं। तो इनको हम सर्फेक्टेंट की हेल्प से मतलब आपस में मिलाते हैं। और सर्फेक्टेंट हमने पढ़ाई था कि हमारी क्या है, ये हमारा सर्फेक्टेंट है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का है, ये हमारी लाइपोफिलिक नेचर का है। तो अब क्या होता है, लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक ये सर्फेक्टेंट में दो चीज़ें होती हैं। तो इनको हम कैसे मीज़र करते हैं कि किसके लिए हमें कौन सा सर्फेक्टेंट यूज करना चाहिए? तो उस चीज़ को मीज़र करने के लिए हमारा HLV स्केल बनाया गया है। एस से हमारा हाइड्रोफिलिक, एल से हमारा लाइपोफिलिक, बी बैलेंस सिस्टम, और HLV स्केल हो गया यही हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस स्केल। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ये स्केल है इसको आपको याद कर लेना है, और इसकी आपको क्वांटिटी याद रख लेनी है। सबसे पहले ये कि 1 से लेके 8 तक ये हमारे आते हैं लाइपोफिलिक, यानी कि लाइपो मतलब क्या, हमारा ऑयल से रिलेटेड है, जो ऑयल जिसमें सॉल्यूबल हो। फिर हमारे 12 से लेके 20 तक ये हमारे हो गए हाइड्रोफिलिक नेचर के, मतलब वाटर सॉल्यूबल, और ये हमारे होते हैं वाटर डिस्पर्जिबल, मतलब इसमें वाटर से मिले सब्सटेंस बनाते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट वगैरह बनाते हैं। ये हम अभी आगे इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ हमने पढ़ ली कि बंद से मतलब, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, HLV इज इक्वल टू हाइड्रोफिलिक अपॉन लाइपोफिलिक। अब एक चीज़ हम यहाँ से मैम समझते हैं कि हाइड्रोफिलिक हमारा ऊपर है और लाइपोफिलिक नीचे, मतलब अगर हाइड्रोफिलिक की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी तो हमारा HLV की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब समझ रहे हैं, हाइड्रोफिलिक की वैल्यू ज़्यादा है तो HLV की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर लाइपोफिलिक की वैल्यू ज़्यादा है नीचे है ये ज़्यादा होगा तो हमारे HLV की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा किसमें फ्रैक्शन में है। तो यही यहाँ पे देखिए, इसी बेस पे हमारा ये बना है कि लाइपोफिलिक की वैल्यू हमारी जितनी ज़्यादा होती है उतना हमारा हाइड्रोफिलिक कम होता है। ठीक है, तो लाइपोफिलिक हमारा कहाँ है, जब HLV की वैल्यू कम है, मतलब HLV की वैल्यू कम है तो हमारा लाइपोफिलिक है, और हाइड्रोफिलिक ज़्यादा होता है तो हमारा HLV ज़्यादा होता है। तो HLV ज़्यादा हमारा कहाँ पे है, हाइड्रोफिलिक पे, यानी कि 12 से जितने आगे हैं वो हमारे हाइड्रोफिलिक हैं और जो कम वाले वो हमारे लाइपोफिलिक हैं। यही है, अब इसको हमको सिंपल इतना याद रखना है कि 0 से 3 तक हमारे एंटी फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, इनके लिए हम सर्फेक्टेंट का यूज़ करते हैं। WO इमल्सिफाइंग एजेंट वगैरह जो बनते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, जो इमल्सिफाइंग मतलब ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल को मिलाते हैं बनाते हैं, तो इसके लिए हम सर्फेक्टेंट का यूज करते हैं ना। तो उनमें हम जो 3 से लेके 6 नंबर वाले जो HLV स्केल के सर्फेक्टेंट होते हैं उनका यूज करते हैं हम इसमें, और ऑयल इन वाटर में 8 से 16 तक, और जो वेटिंग एजेंट हो गए, स्प्रेडिंग एजेंट हो गए, ये मतलब हम बनाते हैं कोई सब्सटेंस उसमें मिलाते हैं जिससे वो मिक्स नहीं हो रहे हों। डिटर्जेंट हो गए, हमारे जो सोप वगैरह जो हम धोते हैं, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह होते हैं, उसमें 13 से 16 नंबर वाले HLV स्केल के हमारे पड़ते हैं। और सॉल्युबलाइजिंग एजेंट ये हमारे बेसिकली वाटर नेचर के ऊपर के आते हैं। अब ये क्यों है, क्योंकि वाटर नेचर में मोस्टली चीज़ें सॉल्युबल होती हैं, इसलिए हम HLV स्केल हाई वाले होते हैं, वो हमारे सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होते हैं जो सॉल्युबलाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब किसी चीज़ को डिजॉल्व होने में। ये हमारा HLV स्केल हो गया पूरा, इसको आप सिंपल है फ्रेंड्स याद कर लेना कुछ चीज़ें, बाकी इसमें सब कुछ इजी है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है सॉल्युबलाइजेशन। अब सॉल्युबलाइजेशन क्या है कि कोई भी दो चीज़ें हैं इमिसिबल, वो आपस में मिक्स नहीं हो रही, तो हमने क्या किया, सर्फेक्टेंट जो हम यहाँ पे देख रहे थे ना, सर्फेक्टेंट है, इनकी हेल्प से हमने, ये सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है, इनकी हेल्प से हमने क्या किया, उन चीज़ों को मिला दिया। सिंपल है, कोई भी दो सब्सटेंस आपस में नहीं मिल रहे, उनको हमने सर्फेक्टेंट की हेल्प से मिला दिया, तो वो वही फिनोमेना हमारा सॉल्युबलाइजेशन कहलाता है। जैसे इट इज़ द प्रोसेस, लिखेंगे कैसे कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंक्रीज इन एक्वस मीडियम विद द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट, मतलब सर्फेक्टेंट। तो द फिनोमेना इज नोन एज सॉल्युबलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए,
एक्वस मीडियम मतलब वाटर सॉल्यूबल के है ना, सॉल्यूबलाइजिंग एजेंट यूज हो रहे हैं ना बड़े बड़े, सारा कुछ सेम है फ्रेंड्स। आपको कुछ नहीं, बस एक चीज़ आप याद कर लें और उससे आप कोरिलेट करके दूसरी चीज़ों को याद करें, इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इट इज़ यूज मैनी फार्मासिस्ट जो भी इंडस्ट्री वगैरह होती है उनमें इन्हीं का यूज करते हैं। कोई भी हम बनाते हैं सॉल्यूशन वगैरह तो आपस में वो अगर मिक्स नहीं होता है तो हम इन्हीं सर्फेक्टेंट का यूज़ करते हैं। फिर हमारा तीसरा टॉपिक है डिटर्जेंसी। अब डिटर्जेंसी क्या होता है? सिंपल है, जो हम डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होता है, डिटर्जेंट ही सिंपल एक फिनोमेना है जिसमें हम क्या करते हैं डिटर्जेंट की हेल्प से डर्ट पार्टिकल जो गंदगी होती है, कोई तेल के दाग हो गए, चिकने दाल हो गए, जो मतलब कपड़ों वगैरह पे लग जाते हैं या कोई जगह पे लग जाते हैं, उसको हम साफ करते हैं डिटर्जेंट की हेल्प से। उस फिनोमेना को हम डिटर्जेंसी बोल रहे हैं। मतलब अगर आप कोई कपड़े धोते हो घर पे तो वो कपड़ा धोना आपकी एक डिटर्जेंसी प्रोसेस है, क्योंकि आप उसमें डिटर्जेंट का यूज़ कर रहे हैं। अब वो डिटर्जेंट जो हमारे होते हैं वो बेसिकली हमारे कौन से होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं, या फिर वो खुद भी सर्फेक्टेंट ही हम यूज़ कर लेते हैं, वही है ना सर्फेक्टेंट। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है डिटर्जेंट वाले 13 से लेके 15 16 नंबर तक के मैचल भी स्केल वाले सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं डिटर्जेंट में। ये हमारा डिटर्जेंसी हो गई, मतलब डिटर्जेंसी फिनोमिना है, कपड़े धोने वाला साफ करने वाला फिनोमिना हमारा डिटर्जेंसी, और जिसकी हेल्प से साफ करे वो हमारे डिटर्जेंट है, सर्फेक्टेंट है, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। मतलब क्या है, सॉलिड इंटरफेस है, कोई भी सॉलिड का सरफेस है उसके ऊपर हम एडजॉर्प्शन करा रहे हैं। तो एडजॉर्प्शन वर्ड हम पहले भी जान चुके हैं कि एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दो चीज़ें होती हैं। अब इसमें होता क्या है, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी ये हमारा एक कोई भी पार्टिकल है इसके ऊपर हमने क्या किया, सॉलिड पार्टिकल मतलब ये हमारा एक सॉलिड सरफेस है। अब इसमें क्या किया, हमने कुछ पार्टिकल को इनमें मिक्स किया, तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पे सरफेस पे टिक गए जाके तो ये हमारे हो गए मतलब एडजॉर्प्शन हो गया, कि एडजॉर्ब ए डी आ गए ना, डी और बी का अंतर है। और ये पार्टिकल अगर अंदर चले गए मतलब सॉलिड के अंदर मिक्स हो गए तो हमारे ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ये दो चीज़ें हैं ठीम्पर्सन, अगर अंदर चले गए तो एब्जॉर्प्शन और ऊपर सतह पर रह गए मतलब उसकी सरफेस पे चिपक गए तो वो हमारे एडजॉर्प्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमें एडजॉर्प्शन ही पढ़ना है। एडजॉर्प्शन हमने यहाँ पे देख लिया क्या होता है। अब सॉलिड इंटरफेस का मतलब क्या है, कि सॉलिड का जो सरफेस है, जिस सरफेस पे कोई भी मटेरियल और पार्टिकल अटैच होगा, डिपॉजिट होंगे, वो हमारा सरफेस किसका है, सॉलिड का है, क्योंकि सॉलिड। अब हम एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं, ये हमारा क्या है, एक सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस पे ये कुछ मटेरियल आके यहाँ पे चिपक गए, ठीक है, अटैच हो गए, तो ये अंदर नहीं गए हैं सॉलिड के अंदर नहीं, केवल उसके सरफेस सरफेस पे हैं, इसको हम एडजॉर्प्शन बोलेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान लेते हैं कि जो मटेरियल हमारे यहाँ पे सरफेस पे आकर अटैच हुए हैं उन मटेरियल को हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। जो मटेरियल मतलब अटैच हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, और जो जिस सरफेस पे अटैच हो रहे हैं, जिस पे सारा ये प्रोसेस हो रही है, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। इनकी डेफिनेशन आप सिंपल लिख सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत अच्छे नोट्स यहाँ पे बना दिए, आपको ज़्यादा कठिन भी नहीं, 5 नंबर के हिसाब से इतने सूटेबल भी हैं, यहाँ तक आप इनको सिंपल लिख देना, अभी सिर्फ आप समझिए, ठीक है। तो ये हमारे एडजॉर्बेट आप समझ गए होंगे कि जो पार्टिकल हमारे अटैच हो रहे हैं वो एडजॉर्बेट है, और जिस सरफेस पे अटैच हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ये डेफिनेशन दोनों लिख दिए, द मटेरियल विच डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड कॉल्ड एब्जॉर्बेट। अब इनके दो चीज़ें हमने देखी कि ये हमारा कोई भी मान लो ये हमारा पार्टिकल है एडजॉर्बेंट का, अब इस पे ये पार्टिकल हमारे अटैच हुए हैं एडजॉर्बेट के, तो एडजॉर्बेट हमारे जो पार्टिकल अटैच हुए हैं ये और ये हमारा एडजॉर्बेंट है, इनके बीच में कुछ फोर्स है, कुछ तो बल है, कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिस वजह से ये यहाँ पे अटैच है, ये यहाँ पे हम चिपके हुए हैं, तो कुछ तो होगा इनके बीच में, कोई सा तो अट्रैक्शन फोर्स होगा जिस वजह से ये आपस में अटैच हैं। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसके एडजॉर्प्शन को, किन दो भागों में, एक हमारा हो जाएगा फिजीजॉर्प्शन, जिसको हम फिजीजॉर्प्शन, ये देखिए फिजीजॉर्प्शन, जिसको हम फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं, और केमीजॉर्प्शन, जिसको हम केमिकल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। अब फिजीजॉर्प्शन क्या है हमारा, फिजीजॉर्प्शन मतलब हम फिजिकल वर्ड समझ रहे हैं, मतलब कोई फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है, जैसे हमारे कौन से हो गए यहाँ पे, वो हमारे वीक बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे वैंडरवाल फोर्स हो गया, कहीं कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगती है। अब ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होते हैं, मैं इनका आपको एग्जांपल अभी समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरी बात, इनमें क्या होता है, वीक फोर्स होते हैं ये हमारे केमीज ऑप्शन के मुकाबले, इनके बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक होता है, और ये लेस एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। अब केमीज ऑप्शन समझते हैं, केमीज ऑप्शन क्या है, व्हेन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट आर अटैच विद ईच अदर विद सम स्ट्रांगली केमिकल बॉन्डिंग, मतलब स्ट्रांग फोर्स जो लगता है वो हम इनका केमिकल बॉन्ड है,
अब केमिकल बॉन्डिंग तो स्ट्रांग होती है, ये तो सबको पता ही है, फिर भी एग्जांपल से हम समझते हैं। पहले हमारा ये क्या, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, इनकी हेल्प से मतलब यहाँ पे ये लगते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। उसके बाद ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब ये एक बार हो गया उसके बाद ये चेंज नहीं हो सकता है। तीसरा क्या है, ये स्ट्रांग फोर्स होते हैं उनके मुकाबले, जो हमारा फिजिक्स ऑप्शन में लग रहा था उसके मुकाबले ये थोड़े स्ट्रांग होते हैं और एनर्जी कंज्यूम ये थोड़ी ज़्यादा करते हैं उनके मुकाबले। अब समझते हैं कैसे, या आखिर हुआ कैसे, जो इनके डिफरेंस हैं ये आखिर वर्क कैसे कर रही हैं। तो लेट एग्जाम्पल समझते हैं, ये हमारा एक कोई भी सरफेस है, लकड़ी का सरफेस ले लो, वुड ले लो, या मतलब सॉलिड सरफेस है ये हमारी एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, या फिर कुछ भी ले लो, और ये हमारा एक सॉलिड पार्टिकल है, ये भी हमारा सेम है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी चीज़ हम यहाँ पे जैसे मान लो चूना डाल रहे हैं या फिर कोई पाउडर हो गया, सिंपल अपने पाउडर ले लेते हैं, तो हमने क्या किया इसके ऊपर हमने पाउडर ऐसे करके डाल दिया, सिंपल ये हमारे पाउडर के पार्टिकल यहाँ अटैच हो गए, अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि भाई एडजॉर्बेंट है तो यहाँ पे चिपक के रह जाएंगे। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे चिपक गए, तो ये हमारा एनर्जी इस पर लेस हमारी कंज्यूम हुई, हमने सिर्फ ऊपर से बिखेर दी, हमारी एनर्जी कम लगी। पहला हमारा ये हो गया, एनर्जी हमारी कम लगती है। दूसरा क्या है, वीक फोर्स है। वीक फोर्स क्यों है, ये यहाँ पे अब थोड़ा सा अगर हम इसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो पाउडर हमारा यहाँ से नीचे गिर जाएगा, किसी भी लकड़ी के टुकड़े पाउडर है हम उसको अगर फूंक भी मार देंगे तो वो वहाँ से उड़ जाएगा। मतलब क्या है, इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आपस में जो चिपके हैं ना वो स्ट्रांग नहीं है, ये मतलब अलग हो जा रहे हैं थोड़ी सी भी उस पर, थोड़े से फोर्स पे अलग हो जा रहे हैं। और रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल क्यों, पहले हमने पाउडर डाला फिर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इधर हिला दिए उधर हिला दिए, हमारा क्या चेंज हो रहा है, ये सब हमारा क्या है रिवर्सिबल है। मतलब क्या है, हमने ये किससे किया, फिजिकल। अब हम केमिकल पे देखें, हमने यही पाउडर यहाँ पे चिपकाया किसी हेल्प से चिपका दिया, जैसे हमने कोई गम लगा लिया, फेविक्विक लगा लिया या फेविकॉल लगा लिया, उसकी हेल्प से हमने ये पाउडर यहाँ चिपका दिया। अब अगर फेविकॉल की हेल्प से लकड़ी पे ये पाउडर चिपका है, इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे फूंक मारेंगे तो ये उड़ेगा नहीं, मतलब इसका स्ट्रांग है, क्या स्ट्रांग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका स्ट्रांग हो गया। दूसरी बात है, इस चीज़ से ये हिलेगा नहीं, लो एनर्जी, इसमें थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगी, तुमने पहले पाउडर लिया उसको फिर आपने फेविकॉल वगैरह से लगा के जोड़ा, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो गई, उसके बाद इसका जो स्ट्रांग फोर्स हो गया इसके मुकाबले तो स्ट्रांग है ना, तो कोवेलेंट बॉडी स्ट्रांग होते हैं। तो यही हमारे थे आज का टॉपिक, हमारा फिजिक्स ऑप्शन केमी ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आज की हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है यहीं पर, और आज हमारा सरफेस एंड इंटरफेसियल फिनोमिनम यूनिट थर्ड हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो पूरी यूनिट आपको देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बहुत जल्दी इसकी यूनिट फोर्थ भी स्टार्ट करेंगे और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।